भारत 8 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र के एक शख्स की कहानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे के समय 8 साल का बच्चा अपनी माँ, एक बहन और एक भाई को लेकर हिंदुस्तान आता है, लेकिन उसके पिता और एक बहन पाकिस्तान में ही बिछड़ जाते हैं। भारत आने के बाद वह अपने पिता को किए हुए वादे को पूरा करने की जद्दोजहद में लग जाता है। ये वादा था कि वह अपने परिवार का पूरा ख्याल रखेगा। 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुआं में मोटरसाइकिल चलाना, अरब में जाकर तेल निकालने जैसे कई काम करता है। उसे नौकरी दिलाने वाली मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी का प्रपोजल लगती हैं, मगर परिवार के फर्ज में दबा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। भारत की ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का साथी बनता है। भारत की कहानी कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम लगाती है। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इस फिल्म में भी सलमान खान की अच्छे भाई बेटे वाली इमेज को बरकरार रखा है। फिल्म कहीं पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई कैरेक्टर्स अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लीप हैं जो कहानी को बोझिल कर देते हैं। फिल्म की 2 घंटे 35 मिनट की लंबाई आपको कहीं बोर कर सकती है, लेकिन इमोशंस आपको फिल्म से बांधे रखते हैं। इसे एक इमोशनल फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सलमान खान अपने रोल में फिट हैं। रेस 3 के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने सबक लिया है। कटरीना के करियर का इसे बेस्ट रोल कहा जा सकता है, लेकिन सुनील ग्रोवर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दिशा पाटनी फिल्म में अच्छी लगी हैं। जैकी श्रॉफ का काम बहुत उमदा है। फिल्म की थोड़ी बहुत कमियां भी हैं जिन्हें दूर किया जा सकता था, जैसे फिल्म की लेंथ को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। ज़्यादा एक्टर से कोई फिल्म बड़ी नहीं बनती। फिल्म को हमारी तरफ से 3.5 स्टार्स। आपको कैसी लगी ये फिल्म हमें कमेंट में बताइए। टेलीविज़न और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।